पंजाब में आपने लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी की देखी, जिसमें सीटों की सुनामी इस पार्टी ने ला दी। कांग्रेस, अकाली, सबके सब आपकी आंधी में उड़ गए। पंजाब की राजनीति के सारे दिग्गज हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों, बहुत बड़ा इंकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। पंजाब में झाड़ू ने ऐसा क्लीन स्वीप किया कि बड़े बड़े सूरमा तिनके की तरह उड़ गए। कमाल कर दिया। वी ऑल लव यू पंजाब। घटिया शब्दावली बरती गई, बेइज्जतियां कीतियां गईयां साडियां। अज मैं तुहाडे जरिए तुहाडे सामने गल कहना कि असीं उन्हां नूं माफ कर दिंदे आं, पर हुण अगे तो पौने 3 करोड़ पंजाबियों की इज्जत करनी शुरू करनी पौगी सब। पंजाब में आपकी आंधी किस तरह चली, इसे इस तरह समझिए। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से हारे। अमृतसर पूर्व सीट से पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हार गए। अकाली दल के दिग्गज और पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल लांबी से हार गए। प्रकाश सिंह बादल के बेटे और अकाली दल के सीएम उम्मीदवार सुखबीर बादल फजीलका से हारे। वैसे योगी सत्येन चौहान इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येन, देखिए आपकी सुनामी आ गई पंजाब में, लेकिन जिस तरीके से प्रचंड जीत यहां पर दर्ज की आपने, भगवंत मान, अब मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल से। क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है आज, मुलाकात का और ताजपोशी का? देखिए भगवंत मान आज अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात करेंगे, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कल 11 बजे भगवंत मान पंजाब के गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो आज 11 बजे चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग के बाद चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति में अब एक नई शुरुआत हो रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पार्टी में लोगों ने बिना किसी नाम के जाने सिर्फ एक सिंबल पर वोट दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिसका हल्के में कोई नाम नहीं जानता था, लेकिन एक निशान लोग जानते थे और झाड़ू को पहचान बनाकर लोगों ने उसको वोट दिया है। और अब भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और जो शपथ ग्रहण समारोह के अभी तक डेट फिक्स नहीं की गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 16 तारीख को भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बदलाव के नाम पर लोगों ने वोट डाला है पंजाब में और इस बदलाव की लहर में कई दिग्गज धराशायी हो